साथियों कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपका राजस्थान के अंदर सीएम गहलोत की ओर से जो कोचिंग फ्री करवाई जा रही है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और इनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको SSO ID से लॉगिन हो जाना है। SSO जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का दो ऑप्शन मिलेगा। तो आप पहले से रजिस्टर हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कहीं पहले फॉर्म भरा होगा, और नहीं भरा है तो भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने SSO ID बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं और बना लीजिए। SSO ID बनाने के बाद वहाँ पे आप जैसे ही इस टाइप का प्रोसेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन कर सिटीजन पे ऐसे क्लिक करके आप भरा सकते हैं, जन आधार कार्ड से कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपने बना रखा है पहले से तो लॉगिन कर लेना, सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको ID भरना, पासवर्ड भरना, कैप्चर भरना और लॉगिन क्लिक कर लेना। और आपको मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन, आपको जैसे लिस्ट वगैरह कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं OR जा टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद आपको जैसे ये ID लॉगिन हो जाएगी आपके सामने इस टाइप का स्क्रीनशॉट दिख जाएगा जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि आपको ये SMS वाला ऑप्शन मिले हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं और नहीं मिले तो भी आप रिसेंट पे यहाँ पे क्लिक करके, जैसे रिसेंट क्लियर एड पे क्लिक करके आप इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा होम स्क्रीन पे जिसमें आपको CM अनुप्रति कोचिंग वाला ये ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर टाइप करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा जन आधार सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। जैसे जन आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, आपने जन आधार कार्ड मेरे हिसाब से बना रखा है क्योंकि ये परिवार का एक ही जन आधार कार्ड बनता है, उसके अंदर परिवार पहचान संख्या आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप डालेंगे आप अपना कैंडिडेट जिसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने फ़ोटो सहित सारी जानकारी इसके अंदर सबमिट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ये सारा फिलअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे जन आधार कार्ड में दे रखा वही सारी आपके इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको स्क्रॉल करते रहना, सारी जानकारी सबमिट कर देना है। जन आधार कार्ड से उठाएंगे तो ज़्यादातर जानकारी आपकी सबमिट हो जाएगी, कुछ ही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको वहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसेड का, जैसे ही उस प्रोसेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा इस टाइप का, अप्लाई स्कीम। तो जैसे ही आप अप्लाई स्कीम पे क्लिक करेंगे, अप्लाई स्कीम पे क्लिक करने पर आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर पहला ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट एग्जाम कोर्स और दूसरा मिलेगा सेलेक्ट इंस्टीट्यूट या कोचिंग। तो इसके अंदर एग्जाम कोर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका योग्यता के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो योग्यता आपको इसके अंदर आप ऑप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर 12वीं और BA की और भी जैसे जैसे आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, आप किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको इसके अंदर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे मैं बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे जिसके अंदर आपने किसी डिग्री की है तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, 12th का और RSCIT आपने किया वो डिटेल भरना पड़ेगा। ये जैसे ही भरेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होता ही आपका यहाँ से नेक्स्ट आपको करना है वो करना है कोचिंग सेलेक्ट। कोचिंग सेलेक्ट में आप राजस्थान की जितनी भी कोचिंग्स हैं वो आपको इसके अंदर शो हो जाएगी और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लिस्ट जारी होगी वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ जुड़ जाइए। उसके ऊपर आपको मैं डेली इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ। जो भी लिस्ट आएगी रिजल्ट जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद लिस्ट जारी करती है सरकार कि आपका इनका सलेक्शन हुआ है। जो 12वीं बेस और ग्रेजुएशन बेस पे परसेंटेज आधारित आपका सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन होने के बाद लिस्ट आएगी, उस लिस्ट को मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और उसके बाद आपको कोचिंग में जाके संपर्क करना है। इसके अंदर आपको हॉस्टल फ्री मिलता है, जिसके अंदर हॉस्टल फ्री नहीं है, सीधा सीधा बता दूँ आपको 40,000 के समथिंग पेमेंट मिलेगा वो स्टूडेंट के खाते में आएगा। और कोचिंग की फीस है, कोचिंग की फीस जो भी है वो कोचिंग के अकाउंट के अंदर आएगी, तो आपको उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। आपका कोचिंग में आपने मान लो फीस दे भी दिया है तो वो आपकी रिफंड हो जाएगी, सरकार अनुसार आपकी फीस उधर से भरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये थोड़ी सी प्रोसेस थी आपको मैंने बताया, कैसा लगा आपको मैं बता दूं। और भी थोड़ी सी जानकारी है आपको बता दें कि RS 2023 के लिए मैं MCQ ब्रह्मास्त्र ईबुक लेकर आया हूँ 4000 प्रश्नों की, वो आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, मात्र 41 रुपये की है, वैलिडिटी 1 साल रहेगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना।
और प्ले स्टोर से ORZ ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर आप चेक करना। सेशन अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।